संज्ञान विचार बिना मन और कुछ नहीं कमाया। काफी देर से फरमाश थी क्या जी, समय उस राजा उत्तान पात के कोई संतान नहीं हुई। रानी सुनीति प्रस्ताव रखती के महाराज आप दूसरी शादी करा लो। नुकल लगेरा बावली इस बुजुर्ग अवस्था में दूसरी शादी कराऊंगा कल नया पब्लिक से प्रजा से मेरे तक के क्या गिरे। नुबली नहीं महाराज कराना पड़ेगा ब्याह। नुबलेरा बावली मेरा मत नया ब्याह करवावा रानी, आसी हो जाएगी और शोक दूसरी आगी तो तू दासी हो जाएगी। मेरा तन में टोपा नहीं लऊंगा, मैं ना भूखा नहीं बहूंगा, तू निर्मल दूध गऊ का से फिर लासी हो जाएगी, शोक दूसरी आगी तो तू दासी हो जाएगी। नुकन लगी हो महाराज त्री भाषणबाजी सारी सुन ली, तू मेरी सुन एक बात के द्वारा अपने पति से क्या कहती हो। ओ मेरे कहते ब्याह करवा ले ना तो पाछे भूली तोड़ेगा, और मैं मरेगी तो सजन मेरे तू किसके तड़वे। दोनों भाइयों ने बड़ा हंगा लाया,
कोशिश मजबूरी होगी, लाना पड़ेगा, और ना इतना के लाने का आ रहा है बगा देंगे सारे पुर्जे घर के अंडे में टोंदे। एक तो आवाज फालतू भाई नरेंद्र गए, और फिर एक बोरी लचिया की दो गाड़ी बथुआ के ले रखे हैं। कोशिश करें मारा इतना बड़ा है उतना है, इनकी जेल लागे रहूंगा। जिस समय वो राजा नल सोई हुई रानी दमयंती की साड़ी काट कर चले गए, रानी सूती उठी, देखा क्या आधी साड़ी कटी हुई है, पति पास में नहीं, सिर्फ एक निशानी पाई के सूती उठ कर देखन लगी उर भी इनकी जाई, रकटी साड़ी देखी दो पैर पति की पाई, दो पैर देखी उन पैरा पैरा लाग ली। और पंडित जी ने क्या वर्णन किया क्या बताओ, बहुत देर का अरसा हो गया, ये रसोती सी आगी बताई पहली कली में पंडित जी ने, जो अपना कर्म छोड़ दे तो वो चीज कुछ नहीं। कौन सी चीज का कौन सा कर्म, कौन सी चार चीज बताई नंबर तीन को बताई। की गोरी बथुए की गोरी, भाई साहेब थारी तावा है वो लुकई थी तारा चंद ने मनसा सेठ पे, बुला रहे थारे काट के सारा लाग के बुला मेरा लो कर ले। भाई लू क्या करे शेर ने बनका सारा बन ने शेर का, हमने तो भाई थारी थपकी आशीर्वाद तो ये हर अंगा हाँ लाग गया बेरा गाठ था अब अंगा घना लाग जाएगा, उन लोग ने बोले थोड़े अंगा लाए नु लाग गया भाई रे, और तो भाई थारा आशीर्वाद है 100 रुपए से। मनोज पहलवान 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। अब दूसरी बात में पंडित जी ने कैसे क्या बना दिया बना। नहीं मैं धर्म छोड़ के ईसा नहीं,
मैं धर्म छोड़ तेरे फंदे में फैलूंगा सारा राजी रफो कैरो के बबड़ के गुलाम रह लूंगा मोशी के जाहे तेरे अपने मन तन की कह लूंगा भाई मनोज पहलवान सतनाली 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद काफी नाम पहले 100 रुपए भाई कुलदीप सिंह खंडेवड़ा से हरी कर लियो इन भाई अगर प्यार प्रेम खातर हमें करनी पड़ी और कई बार नहीं हो जा करे भले मारा तो थी नहीं थारा थोड़ा खोने कई बार नू भी हो जा करे मारे गुरु ने एक बात कही थी भाई राजेंद्र ने के भाई कदे भी गावाई सा गाना गाइए रसीला गाना और मुंह असमुख रहे नचूतड़ वर्गा मुंह हो गया कोई गाना है नहीं कलाकार का मुंह गाते वक्त असमुख होना चाहिए ज्यादा अंगा तो शेर जाकर मन मन फेर लग गया हो इतना अंगा ठीक नहीं फेर मारी मजबूरी हो जाए अंगा लगाना एक आधा के कौन से सुर में ठाली उसका गेल लागना पड़े है जब उससे सुर में नहीं गाया तो दिक्कत अर नहीं तो भाई पंडित जी ने भी यह बात कह रखी है ले ओठ कौन दे गात भूमि इसी टोटे की जड़ों से कोई लेनिया कोई देनिया आप अपना बड़ों से जगन्नाथ कह शुभ कर्मों का अच्छा ये फलों से अर भाई गाना उतना चाहिए जितना गावनी है गागड़ों से तो कलाकार ने उतनी कलाकारी करनी चाहिए जितनी उसकी आवाज हो लेकिन इंजन गेल जब एक इंजन ने नुकेल की मार दिया तो मारनी है तो मारनी पड़ेगी पाछा नहीं हटा भाई से कांच लगड़ जी हो सुबह उठ के ताते जल में सुबह उठ के ताते जल में मेरे साजन कोने नुआवेगा आठ बजे सी बना रसोई भोजन कौन खवावेगा तेरा अंडे चूने हल्या ढकनी में किस पर तू के पुआवेगा वे सेवा करके मुट्ठी भर के मेरे भाई मनोज पहलवान सतनाली 100-100 रुपए से सभी कलाकारों का मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद और भाई ने बताई कि गाना उतना चाहिए जितना गावनी का गड़ो से भाई से क्यों रो भाई इसका से इतना गड़ जब गावेंगे ना प्रेम चोपड़ा की बात है बड़ा नंगा क्या नाएगा क्या निचोड़ेगा और जगन्नाथ ने तो और भी कही थी भाई सुन भाई गाना होता है खुशी का और मुंह वाली बात की ना चूतना बरगा मुंह हो जा किसी का मुंह कुदरती या चूतना बरगा हो तो उसका कमल का फूल ना बने रही बात गाने की गढ़ की बाईस का है मानते इतना गढ़ से दिल में खुशी होए बना दिल में खुशी होए बना कोई गाना क्यों कर गा दे और बूढ़ा हो रहा है फिर भी लोग नु कहे एक भजन की तो जगन्नाथ तू भी चाकी सिरा दे बरन मिटा दे खून सुखा दे आकार इसी हो गावन की समय सदी पतरावन की मिलकर खुशी मनावन की नंबर दो निवलिक के पति देव मने निशानी पाई देखिए जब तक ये निशानी मेरी नजरों के सामने है मैं हटूंगी नहीं अपने धर्म से वहां तक चलती रहूंगी जहां तक की निशानी ले जाएगी कैसे क्या कह रहा है
की तेरी लुक जाइए मैं आप तने को ढूंढूंगी जब मिल जा तो बिछड़ने आ सारा दुख रो लूंगी नहीं मिला तो कितने भी सुनिए जीना भी खा लूंगी तने ढूंढ के छोड़ दूंगी गाना ऐसा गाना चाहिए आका हंसता हंसता गाले जब है अंगालार एलर्जी सी बनती और कांच काली कार बनता हो तो भाई साहब नाटक का रोल शुरू कर दे तुम्हें होठ और फड़काए जाइए और गाने की भी जरूरत ना पड़े। रही दूसरी बात भाई आजाद की नो बोलिया प्रेम चोपड़ा ने एक डायलॉग मारा था वो तुमने नहीं सुना पर एक डायलॉग प्रेम चोपड़ा ने और भी मारा था रखवाला पिक्चर में वो सुना था बोला भैंस पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी गाना नहीं गाएगी। अरे भाई तुम तो बड़े खलीफा हो इंद्रकेसरी हो सारे सारा ना कर बेड़ा पार करने की कोशिश ही कर रहे हैं। और तीसरी बात में पंडित जी क्या उदाहरण देते हैं कहते क्या से करी ताज की रक्षा न ताज शीस पे था मेरे 14 साल में बेला राम जी न बड़े धर्म से डरा मैं दया ते प्यार से मन लक मसी का दया ऐसा उतरी ये हमारा आपसी संबंध है भाई। देखो मैं तो एक बात कहता हूँ कलाकारों के अंदर आपसी प्रेम होना चाहिए। डाकी सरा भी जाहिर कांच भी काटन पर है दोनों में वे कर रहा है चलो कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पे कैसे क्या लिखा पंडित जी ने बोला डग डग हल नार बुढ़ापा डग डग हल नार बुढ़ापा ये दूना दोर पकड़ जागा थोड़ा दिखे सदन मेरे कमजोर दोर पकड़ जागा इतना तो तन पकड़ लिया यू इतना और पकड़ जागा बेड़ा पार हो जा मन नहीं सलाह कदे तेरा पार तो भी आगे लकड़ जा। बड़ी खुशी की बात वह देखिए सरोता देखे लेकिन तीनों कलाकारों की जो हौसला बजाई आपने की
इसे श्रोता भी छीते पाऊं, ये भी सच्चाई। न तो एक का तालीम दूसरे का कल की लू देखी हमने। धन्यवाद करते हैं सभी श्रोताओं का जो सभी कलाकारों को एक नजर से देखा। नंबर तीन पर, जब तक पैर नजर आती रही, रानी चलती रही, जन छप गया, और जन छपने के बाद में क्या कहानी बनी, क्या लिख दिया पंडित जी ने बोला। कलाकारों को एक नजर से देखे, इस चीज की हमने बड़ी खुशी है। कम इसे गवांड में, अच्छे गवांड में पैदा हुए, अगजा लोगों का मान सम्मान बराबर करा जा है, और हमने इस बात का सदैव गर्व रहेगा। सुखबीर सिंह पवार साहब जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। आज चौथी कली में पंडित जी ने कलम तोड़ दी, कैसे क्या बता दिया, एक बात क्या बता? वो मानस भी ठीक नहीं जो मेरे मकसद खाली जा, भाई पने की मेर करो ते धर्म के खम्भे खाली जा, दो माया के दो बेटे कनवा का वंश ताली जा, श्री लक्ष्मी चंद सतगुरु के देते यो पाप नाल के ताले जा, मृत्यु प्रिया जीव की रक्षा करवा दे यो नक्शा दिया हो जागा, लक्ष्मी तन के दूर रह के जब वसीला हो जागा, ये तेरा गुमरा जब फुटरा है पाक लीला हो जागा, जीवन के हाल मेरी माता है दंते राम मेरी माता है, तू फिर पक्षे जन छप गया। रानी रोक लग के जंगल में वो रात गुजार देती, जब जन लकड़ आया सोचने लगी कि दुनिया तन्ने मारेगी, क्यों
कि कल तक पति के साथ में गई थी सेवा टहल करने के लिए, तड़का एक नहीं दिखेगी और लोग के क्या कहेंगे, कैसे क्या कह रहा है। जिसने पति बताया करके नदी पोसनी दी थी।